तो देखिए ये बनके तैयार हो चुका है चूरमा, जिसे कि हम अक्सर व्रत के पूजन के दौरान प्रसाद के रूप में भगवान जी को चढ़ाते हैं, और जो 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चे हैं उनको भी अगर आप ये खिलाएंगे तो उनकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से बनाया गया है। तो चूरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी के करीब आटा ले लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने ले लिया है सौंफ का, और इसके अलावा 1/2 कटोरी ले ली है मैंने चीनी, और 1/2 कटोरी मैंने ले लिया है देसी घी। तो हम अपनी कढ़ाई रख देंगे, और अब जब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो हम इसमें डाल देंगे अपना देसी घी। तो फ्रेंड्स अब हमारा देसी घी गरम हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे हमारा आटा, और अब हम इसे करछी की सहायता से अच्छे से चला लेंगे। इसमें बिल्कुल भी गिठलियाँ नहीं बननी चाहिए, तो मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से चलाते हुए और मिक्स अच्छे से कर दें, ताकि कोई भी इसमें अदरवाइज़ जो है गांठे बन जाएंगी, तो आपको इसे अच्छे से चला लेना है। तो अब हो चुके हैं मुझे लगभग 10 मिनट, इसको मैं लगातार बीच बीच में हिला रही हूँ, और मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ। तो अब 10 मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूँगी अपनी सौंफ। अगर आप बच्चों के लिए, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप सौंफ को पीस के भी डाल सकते हैं। तो अब इसको मैं लगातार बीच बीच में चलाती रहूँगी और भूनती रहूँगी। तो अब मुझे हो चुके हैं लगभग दोस्तों 15 मिनट, और एक बार मैं इसे चेक कर लूँगी। इस तरह से मैं उंगली में लेके थोड़ा सा आटा मसल के मैं देखूँगी, अगर ये अच्छे से मतलब दानेदार अगर हो चुका है तो मतलब आपका जो चूरमा है वो बन चुका है, लेकिन अभी इसमें कुछ टाइम और लगेगा। तो अब मुझे हो चुके हैं लगभग 20 मिनट फ्रेंड्स इसको चलाते हुए, और अब जो है वो मेरा जो प्रसाद है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो मैं इसमें मिला दूंगी चीनी और कर दूंगी गैस की फ्लेम ऑफ़, और इसको एक बार इस तरह से मिला दूंगी, और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी एक छन्नी से, क्योंकि अगर छन्नी से हम ढक के रखते हैं तो इससे क्या होगा कि ये आसानी से ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए ये चूरमा हमारा बनके तैयार हो गया। तो कितना ज़्यादा इजी था इसको बनाना, आप बच्चे को इसे डायरेक्ट खिला सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो इसको दूध में मिला के बच्चे को दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।